हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टेरिफायर। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को टीवी देखते हुए दिखाया जाता है जिसमें एक टॉक शो चल रहा था। उस टॉक शो में होस्ट मोनिका आज एक ऐसी लड़की का इंटरव्यू ले रही थी जो कि एक साल पहले हुए हेलोवीन हादसे में बाल बाल बची थी, लेकिन उस हादसे में उसका चेहरा काफी ज्यादा खराब हो गया था। खैर, अब इंटरव्यू शुरू होता है और यहाँ मोनिका बताती है कि अब तक एक साल हो गया है और उन मर्डर्स के कातिल का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। यहाँ पर उस लड़की को यकीन था कि उसने खुद उस कातिल क्लाउन को मरते हुए देखा है। साथ ही मोनिका यहाँ पर यह भी बताती है कि उस क्लाउन की डेड बॉडी मुर्दा घर से गायब है। इसका मतलब हो सकता है कि वो क्लाउन अभी भी जिंदा हो। तभी हम देखते हैं कि जो आदमी ये टीवी देख रहा था वो किक मारकर उसे फोड़ देता है और क्लाउन की तरह तैयार होने लगता है। इससे हम समझ जाते हैं कि ये वही कातिल क्लाउन है। इसके बाद वो अपने हथियार को साफ करने लगता है, यानी कि अब वो जरूर किसी का शिकार करने वाला है। दूसरी तरफ इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिपोर्टर मोनिका अपने ड्रेसिंग रूम में होती है और यहाँ वो फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से उस लड़की के चेहरे की बुराई करने लगती है जिसका उसने अभी अभी इंटरव्यू लिया था। इसी बीच उसे किसी के होने का एहसास होता है कि जरूर कोई अंदर है। अब वो जैसे ही अलमारी चेक करती है तभी अंदर से वही लड़की निकलती है जिसका फेस खराब था। वो यहाँ मोनिका पर अटैक करके उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है। साथ ही हम देखते हैं कि उसे ऐसा करते हुए काफी अच्छा लग रहा था। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें हेलोवीन की रात को दिखाया जाता है जहाँ पर दो फ्रेंड्स टैरा और डैन पार्टी खत्म करने के बाद घर की तरफ जा रही थी। इसी बीच उन्हें रास्ते में एक क्लाउन दिखता है जो उन्हें घूर कर देख रहा था। वो उन्हें देख कर स्माइल भी करता है, लेकिन तारा को ये काफी अजीब लगता है। और अब जैसे ही वो उसे दोबारा मुड़कर देखती हैं, तो वो वहाँ से चला गया था। खैर, अब दोनों वहाँ से निकलकर एक कैफे में आ जाती हैं और कुछ टाइम बाद वो क्लाउन भी उनका पीछा करते हुए आ जाता है और उनके सामने वाली टेबल पर आके बैठ जाता है। वो लगातार उन दोनों को देखे जा रहा था। टैरा को ये सब पसंद नहीं आता और वो डैन से घर चलने के लिए कहती है, लेकिन डैन उसकी बात नहीं सुनती और क्लाउन के पास जाकर बैठ जाती है। वो नशे की हालत में उसके साथ सेल्फी भी लेने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आदमी सिर्फ कॉस्ट्यूम पहने हुए है। अब कैफे का वेटर क्लाउन के पास आकर उससे खाने का ऑर्डर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इस पर ध्यान नहीं देता और वो सिर्फ उन दोनों लड़कियों को ही देखे जा रहा था। अब कैफे का वेटर भी परेशान होकर उसके पास से चला जाता है। इसके बाद वो क्लाउन कैफे से एक रिंग लेकर उसे टैरा के हाथ में पहना देता है। ये देखकर दोनों लड़कियां उसे थैंक्स कहती हैं। अब वो क्लाउन उन्हें वहीं छोड़कर किचन की तरफ जाने लगता है, लेकिन कैफे का वेटर उसके किचन में आ जाने की वजह से चिढ़ जाता है, जिस वजह से वो क्लाउन को धक्के मारकर उसे कैफे से बाहर निकाल देता है। साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। कुछ टाइम बाद जब वो दोनों लड़कियां अपनी कार के पास वापस आती हैं, तो वो देखती हैं कि उनकी कार का टायर पंचर है। इसलिए टैरा अपनी बहन विकी के पास फोन करती है और उसे लिफ्ट के लिए बुलाने लगती है। यहाँ पर विकी को काफी काम था जिस वजह से वो मना करने लगती है, पर तभी विकी की रूममेट अपने बॉयफ्रेंड को लेकर कमरे में आ जाती है, जिसके बाद विकी उन्हें स्पेस देने के लिए टैरा की हेल्प के लिए आने लगती है। इधर वो दोनों कार में बैठकर विकी का वेट करने लगती हैं। टैरा को लगता है कि टायर में पंचर उसी क्लाउन ने किया होगा, लेकिन डैन को उसके ऊपर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ हम कैफे के एक दूसरे वेटर को देखते हैं जो कि असल में इंसानी खून को साफ कर रहा था, लेकिन उसे ये सब पता नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सब खाने पीने का सामान है। अब जैसे ही वो अपने दूसरे साथी को चेक करने बाहर जाता है, तभी उसे एक जगह पर उसकी कटी हुई खोपड़ी दिखाई देती है जो कि हेलोवीन लैंप की तरह जल रही थी। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाता है और तभी यहाँ पर वो क्लाउन आता है जो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, पर क्लाउन उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। इधर टैरा को टॉयलेट लगने लगता है, जिस वजह से वो पास ही की बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है। उसे बिल्डिंग के बाहर माइक नाम का एक आदमी मिलता है जो कि बिल्डिंग में साफ सफाई का काम करता है। टैरा उसके पास जाकर टॉयलेट के बारे में पूछने लगती है। इस पर माइक उसे बाथरूम दिखाने ले जाता है। दूसरी तरफ कार में डैन को रेडियो से पता चलता है कि कैफे में अभी अभी दो लोगों का मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाला एक क्लाउन है, जिसे सुनकर वो काफी घबराने लगती है क्योंकि कुछ टाइम पहले उसने उसके साथ फोटो ली थी। इसी बीच हम उस क्लाउन को देखते हैं जो चुपके से आकर उसकी कार में बैठ जाता है, लेकिन डैन फोन में बिजी थी जिस वजह से उसे लग रहा था कि ये टैरा है, लेकिन जब वो उसके चेहरे को देखती है तो जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। इधर टैरा
महिला वॉशरूम से बाहर निकलकर आसपास की जगहों को चेक करने लगती है। तभी उसे एक जगह पर एक लेडी मिलती है जिसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी। असल में वो लेडी एक टॉय को अपना बच्चा मान रही थी। अब टेरा उसे वहीं छोड़कर बाहर जाने लगती है। जैसे ही वो गेट तक पहुंचती है तभी उसके सामने क्लाउन आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है और उससे बचकर भागने लगती है। वो पुरानी गाड़ियों के पास आकर छिप जाती है लेकिन वो ज्यादा देर तक उससे बच नहीं पाती और अचानक क्लाउन उसके पीछे से आकर उसके पैर को जख्मी कर देता है। टेरा उससे बचने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे जाने नहीं देता और उसका गला दबाने लगता है। इसी बीच वो उसका हथियार लेकर उसी के कंधे में मार देती है जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। वो वहां से जाने लगती है लेकिन क्लाउन ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। अब टेरा एक जगह देखकर वहीं छिप जाती है। दूसरी तरफ हम विकी को देखते हैं जो कि दोनों को ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। इसी बीच उसे रेडियो पर उस क्लाउन के बारे में पता चलता है कि उसने कैफे में दो लोगों का मर्डर कर दिया है जिस वजह से पुलिस सभी को सावधान रहने का कहती है। इधर टेरा को लगने लगता है कि वो क्लाउन अब चला गया है जिस वजह से वो मेन गेट की तरफ भागती है लेकिन क्लाउन ने वहां पर भी लॉक लगा दिया था। इसके बाद वो जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर हेल्प मांगने आती है जहां उसे एक जगह पर माइक दिख जाता है जो कि तेज आवाज में हेडफोन से म्यूजिक सुन रहा था। दूर से टेरा उससे हेल्प मांगती है लेकिन उसे उसकी आवाज नहीं आती और तभी यहां पर वो क्लाउन आ जाता है और उसे पकड़कर इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब टेरा को होश आता है तो हम देखते हैं कि उसे क्लाउन ने बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में चेयर से बांध रखा है। वो क्लाउन अब भी उसी के पास था, साथ ही वो उसे अपने हथियारों से बार बार डरा रहा था। फिर वो उसे डैन को दिखाता है जिसे उसने उल्टा लटका रखा था। टेरा उसे बचाने के लिए खुद को खोलने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। इसी बीच क्लाउन डैन की बॉडी को दो भाग में अलग कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब टेरा किसी तरह खुद को खोल लेती है और जल्दी से क्लाउन पर उसके चाकू से अटैक करके वहां से निकल जाती है। वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे ही उसके पास क्लाउन आता है वो उस पर अटैक करने लगती है लेकिन इसी बीच वो अपने पास से एक गन निकालता है और उसके पैर पर शूट कर देता है लेकिन टेरा अब भी जिंदा होती है। दूसरी तरफ विकी बिल्डिंग के अंदर आ जाती है जो डैन और टेरा को देखने लगती है। वो गेट को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो अंदर से बंद होता है जिस वजह से वो टेरा को फोन करने लगती है। टेरा का फोन क्लाउन के पास था इसलिए वो विकी को मैसेज करके बिल्डिंग के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आने को कहता है। अब वो टेरा के पास जाता है जो कि दर्द में काफी तड़प रही थी लेकिन क्लाउन आखिरी बार उसके सर पर शूट करके उसे मार देता है। वहीं वो पागल लेडी उसे देख लेती है और उससे बच के माइक के पास आकर हेल्प मांगने लगती है। वो उसे बताती है कि बेसमेंट में एक किलर है। वो माइक को काफी समझाने की कोशिश करती है लेकिन माइक जानता था कि वो एक पागल है जिस वजह से वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे सीढ़ियों के पास जाने पर विकी की आवाज आती है और वो इन सब चीजों से परेशान होकर अपने दोस्त विकी को कॉल करता है लेकिन तभी पीछे से क्लाउन यहाँ आ जाता है और उसके सर पर हैमर से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। उसके फोन पर उधर से विली की आवाज आती है जिस वजह से क्लाउन उस फोन को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ वो लेडी जब अपने बच्चे को देखने जाती है तो वो वहां से गायब था। वहीं दूसरी तरफ विकी भी बिल्डिंग के अंदर आकर टेरा और डैन को ढूंढने लगती है। इधर वो लेडी एक जगह पर आ जाती है जहां हम देखते हैं कि उसके टॉय बेबी के साथ वो क्लाउन खेल रहा है। वो लेडी उसके पास जाकर अपने बच्चे को मांगने लगती है लेकिन वो उसे वापस करने से मना कर देता है। इसके बाद वो लेडी उससे पूछने लगती है कि क्या उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिला। इसी बीच वो लेडी उसे एक माँ की तरह संभालने लगती है और साथ ही हम देखते हैं कि वो क्लाउन भी एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। विल भी माइक के फोन करने पर बिल्डिंग के बाहर आ गया था। वो बाहर आकर उसे फोन करने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इधर विकी उन दोनों को ढूंढती हुई बेसमेंट में आ जाती है और टेरा को फोन करती है पर उसके फोन की रिंग उसी के पास के रूम में सुनाई देती है। अब जैसे ही वो वहां जाकर देखती है तो उसे डैन की लाश मिलती है जिसे देखकर वो काफी बुरी तरह से डर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी आगे जाते हुए उसे एक कमरे से हेल्प की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद वो टेरा है इसलिए वो देखने चली जाती है। वो देखती है कि एक लड़की काफी बुरी हालत में है। ये देखकर वो जल्दी से पुलिस को फोन करने लगती है। इसी बीच उसे वहां पर वही पागल लेडी दिखाई देती है जो कि उससे हेल्प मांग रही थी और तभी हम देखते हैं कि जिस लड़की की विकी मदद कर रही थी वो असल में क्लाउन है जिसने उस पागल लेडी के बाल और उसकी स्किन उखाड़कर अपने ऊपर लगा रखी थी। अब क्लाउन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन विकी वहां से निकलकर एक दूसरे कमरे में आ जाती है और विंडो को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो बंद होती है जिस वजह से वो उससे बचने के लिए एक अलमारी में छिप जाती है। लेकिन यहां पर वो क्लाउन आ जाता है और उसे पता लग जाता है कि वो अलमारी के अंदर है। इसके बाद वो तेजी से अलमारी को हिलाने लगता है। इसी बीच क्लाउन को
बाहर से एक आदमी के हॉर्न की आवाज आती है जो कि विली बजा रहा था। इससे वो बाहर देखने चला जाता है। दूसरी तरफ विल गेट ना खोलने की वजह से पीछे के रास्ते से अंदर आ जाता है और माइक को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ खून के धब्बे मिलते हैं जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। उसे वहाँ टॉय बेबी भी मिलता है। इसके तुरंत बाद ही क्लाउन पीछे से उसके सर में चाकू घुसाकर उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है। इधर विकी अलमारी से निकलकर बाहर जाने लगती है। तभी अपने आगे उसे क्लाउन दिखता है जो कि बच्चों वाली साइकिल चला रहा था। विकी उससे किसी तरह बचती हुई एक दूसरे कमरे में आकर छिप जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक क्लाउन उसके पीछे से आ जाता है और एक पॉलिथीन से उसका दम घोटने लगता है। लेकिन वो उस पॉलिथीन को फाड़ कर खुद को उससे बचा लेती है। तभी वो अपने पास पड़ी एक कील को उठाकर उसके पैर में धंसा देती है और मौका देखकर वहां से निकल जाती है। अब आगे जाते हुए उसे अपनी बहन टेरा की लाश मिलती है जिसे देखकर वो काफी दुखी होती है और रोने लगती है। अचानक फिर से यहां पर क्लाउन आ जाता है और एक ब्लेड लगी जंजीर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। पर इसी बीच यहां माइक आ जाता है और विकी को बचाते हुए क्लाउन को पीटने लगता है। वो यहां क्लाउन को बेहोश करके विकी को एक कमरे में ले आता है और पुलिस को मदद के लिए बुलाने लगता है। इसके बाद जब दोनों गेट की तरफ जा रहे होते हैं तभी क्लाउन फिर से आ जाता है और माइक पे सिलेंडर से अटैक करके उसे मार देता है। इसी बीच विकी एक स्टिक की मदद से गेट की टेल को तोड़ देती है लेकिन क्लाउन उसे जाने नहीं देता। विकी उसकी एक आंख को भी फोड़ देती है जिससे उसे भागने का एक मौका मिल जाता है। अब वो उससे बचने के लिए पास के गोदाम में जाने लगती है पर वो अभी भी उसके पीछे पड़ा था। वो उसे बाहर खींचने लगता है जिसमें वो उसके कुछ बाल भी तोड़ देता है। अब विकी उससे बचती हुई अंदर आ जाती है और तभी वो क्लाउन वहां से गायब हो जाता है। जब वो दरवाजे पर जाकर देखती है तब वो क्लाउन एक कार को ड्राइव करता हुआ उसकी तरफ ला रहा होता है। ये देखकर विकी बचने की कोशिश करती है लेकिन वो कार उसे आकर हिट कर देती है। इससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब वो क्लाउन बाहर निकलकर उसे देखता है और उसके चेहरे का मांस खाने लगता है। कुछ टाइम में यहाँ दो पुलिस ऑफिसर भी आ जाते हैं और उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। लेकिन इसी बीच वो अपने पास से एक गन निकालता है और खुद को शूट कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ की सभी डेड बॉडीज को मुर्दा घर में भेज देती है जहाँ एक डॉक्टर उनका चेकअप कर रहा था। जब वो क्लाउन की बॉडी को चेक करता है तो हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता। तभी यहाँ की लाइट फ्लिकर करने लगती है और अचानक क्लाउन जिंदा होकर डॉक्टर के गले को दबाकर उसे मार देता है। अब आगे हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम विकी को देखते हैं जिसे अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। इसी बीच हम उसके फेस को देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही खराब चेहरे वाली लड़की है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। इसका सेकंड पार्ट जल्दी रिलीज होने वाला है जिसमें आगे की कहानी बताई गई है। हम उसे भी जल्दी एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।